नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, महिलाएं विधवा होने पर सदियों से चली आ रही रूढ़ प्रथाओं को तोड़ देंगे। अब विधवा को मंगलसूत्र चूड़ियां हटाने की जरूरत नहीं। भारी विरोध के बीच राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द, 5 जून को था कार्यक्रम, स्वास्थ्य कारणों से रद्द कर दिया अपना दौरा। और पेट्रोल डीजल खाद्य तेल औषधि एवं घरेलू एलपीजी गैस के मूल्य में हुई वृद्धि के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस का आंदोलन, वैरायटी चौक में हुआ प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक गांव ने फैसला किया है कि अब महिलाएं विधवा होने पर सदियों से चली आ रही रूढ़ प्रथाओं को तोड़ देंगे। इसके तहत कोई भी महिला अब विधवा होने पर मंगलसूत्र पहनना नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा वे चूड़ियां भी नहीं तोड़ेंगी और माथे में सिंदूर भी लगाती रहेंगी। राज्य सरकार ने कोल्हापुर की हेरवाड़ ग्राम पंचायत के इस फैसले को नजीर मानते हुए पूरे राज्य में विधवा प्रथा में शामिल परंपराओं को खत्म करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से इस सरकारी आदेश को सभी ग्राम पंचायतों में भेज दिया है। इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सदियों पुरानी इस कुरीति को अब विज्ञान के इस युग में चलाया नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ ने सभी ग्राम पंचायतों को हेरवाड़ ग्राम पंचायत का अनुकरण कर एक आदर्श स्थापित करने की अपील की है। मुशरीफ ने एक बयान में कहा है कि हेरवाड़ ग्राम पंचायत ने विधवा होने पर सदियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसीलिए अन्य ग्राम पंचायतों को भी इस तरह के फैसले लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हेरवाड़ ग्राम पंचायत ने पति के निधन के बाद पत्नी का सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रथा को बंद करने की जिम्मेदारी जिला परिषद के CEO को दी गई है। हालांकि अभी इस प्रावधान को नहीं मानने वाले पर किसी तरह का जुर्माना या दंड अधिरोपित नहीं किया गया है। जिला परिषद के CEO ग्राम पंचायत के सरपंचों और अन्य कर्मचारियों की मदद से राज्य सरकार के इस फैसले का अनुपालन कराएंगे। रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में CBI आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। CBI की रेड दिल्ली और पटना में 17 जगहों पर जारी है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर भी रेड की जा रही है। CBI ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ रेलवे में नौकरी के बदले में उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कथित जमीन के बदले नौकरी का घोटाला उस समय का है जब लालू यादव UPA सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। जान ले के CBI ने आज लालू यादव और उनके परिजनों के ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली और बिहार मिलाकर 17 जगहों पर छापेमारी हो रही है। मीसा भारती के सरकारी आवास पर CBI की टीम आज सुबह 8:05 पर पहुंची थी। लालू यादव का कोई आवास दिल्ली में नहीं है, वह मीसा भारती के घर पर ही रुकते थे। मीसा भारती का घर पंडारा पार्क में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे का 5 जून को होने वाला अयोध्या दौरा टाला जा सकता है। बीते दिनों पुणे के दौरे पर गए राज ठाकरे ने स्वास्थ्य कारणों से अपना दौरा रद्द कर दिया और मुंबई लौट आए। मिली जानकारी के अनुसार राज ठाकरे के पैर में चोट लग गई है और इसकी सर्जरी होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे दौरे की आधिकारिक जानकारी डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही देंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। मनसैनिकों ने अयोध्या दौरे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वहीं राज के अयोध्या दौरे का उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कड़ा विरोध किया था, फिर भी राज ठाकरे अपने अयोध्या दौरे पर अड़े थे। 17 अप्रैल को ठाकरे ने पुणे में घोषणा की थी कि वह भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे। वहीं अयोध्या दौरे को स्थगित करने की जानकारी देते हुए राज ठाकरे ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, अयोध्या का दौरा स्थगित कर दिया गया है। 22 मई को पुणे में होने वाली रैली के बाद फैसला लिया जाएगा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की घोषणा के बाद से ही अयोध्या से साधु संत और BJP सांसद बृजभूषण सिंह ने उनके दौरे का विरोध किया। BJP सांसद ने कहा, पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए और फिर उन्हें अयोध्या आना चाहिए।
बाबरी मस्जिद मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने भी मन से अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध किया था। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले में आज पटियाला की एक स्थानीय अदालत में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल कारावास की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ट्वीट किया, कानून का सम्मान करूंगा। पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने पार्टी समर्थकों को दिए एक संदेश में कहा कि सिद्धू सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे। उन्होंने पार्टी समर्थकों से सुबह करीब 9:30 बजे अदालत परिसर पहुंचने का भी आग्रह किया। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, औषधि एवं घरेलू LPG गैस के मूल्य में हुई वृद्धि के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गुरुवार को आंदोलन किया। वैरायटी चौक में हुए इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। राकांपा के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के दौरान अच्छे दिन पर सवाल उठाते हुए केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेठे ने कहा कि 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद भाजपा सरकार ने महंगाई कम करने के स्थान पर उसे और बढ़ाया है। जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। आम जनता के लिए जीवन काफी कठिन हो गया है। उधर केंद्र सरकार ईंधन पर काम करने को तैयार नहीं है। अपन देश भरत पाहता आहात की ज्या पद्धतीने देशात महागाई पेटलेली आहे, अन्न असेल, धान्य असेल, भाजीपाला असेल, फळ असेल, ज्या पद्धतीने वाढलेलं आहे, हे मोदी सरकार निश्चिंत ह्या देशातल्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडलेलं आहे। त्याच्यामुळे आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, प्रदेश असेल, शहरातील असेल, त्यांनी सगळ्यांनी ह्या आंदोलनाची भूमिका घेतली की ह्या आंदोलनात्मक भूमिकाच्या याच्यातून आपण मोदी सरकारला जागं करावं। आज ते विविध प्रश्न घेऊन ते वेगळ्या वेगळ्या चालतात, कधी कोणत्या विषयात, कधी कोणत्या विषयात, परंतु आज जे बेरोजगारी आहे, महागाई आहे, त्या विषयात मोदी सरकार एक देशाचे पंतप्रधान कुठल्याही परिस्थितीत बोलत नाही आहे। त्या निमित्ताने आम्ही व्हरायटी चौकात गांधीजीच्या पुतळ्याच्या समोर आम्ही नारे निदर्शन करत आहोत। याआधी पण तुम्ही आंदोलन केलेले होते, तर राज्य सरकारतर्फे किती टॅक्सेस कमी करण्यात आले पेट्रोल? देशात केंद्राची सरकार आहे,
बहुमताची सरकार आहे, देशातील पंतप्रधान हे सर्वात आज 30-40 वर्षाच्या नंतरचे एक सर्वप्रथम बहुमतातले पंतप्रधान आहे, हे चांगल्यात चांगले निर्णय घेऊ शकतात। देशातील नागरिकांना काय गरजा आहे, कुठल्या गरजा आहे ते कुठल्याही पद्धतीचं मोदी सरकार त्याच्याकडे पाहत नाही, पंतप्रधान चं लक्ष नाही आहे। देशातील पूर्ण जनता बेरोजगारीनं महागाईनं सगळी भरडल्या गेलेली आहे। आज साधंसं खाण्याचं खाद्यतेलसुद्धा इतकं महाग झालेलं आहे की सर्वसाधारण गरिबाच्या ताटावरचं ते तेलसुद्धा हरपलेलं आहे। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर विधायक आजम खान करीब 27 महीने बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए। आजम खान को रिसीव करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव सुबह सुबह ही फूलों के गुलदस्ते के साथ उन्हें रिसीव करने सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान के दोनों बेटे आबिद आजम और अब्दुल्ला आजम के साथ तमाम समर्थक सीतापुर जेल के बाहर मौजूद रहे। आजम खान को 90वें मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद देर रात उनकी रिहाई का आदेश जेल पहुंचा और तमाम कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें शुक्रवार सुबह जेल से रिहाई मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। रेगुलर बेल के लिए उन्हें 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन के भीतर उन्हें निचली अदालत से रेगुलर बेल लेनी होगी। अगर निचली अदालत से उन्हें बेल नहीं मिलती है तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ रामपुर जिले में अलग अलग थानों में 88 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 2020 के एक अन्य मामले में आजम खान का नाम शामिल किया गया। यह मामला रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 90 हो गई। इसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। बीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।